हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग खेलने वाले हैं WCC 2 IPL मैच 2, जो कि है चेन्नई वर्सेस RCB। और मैंने जो ओल्ड लाइनअप थी वही लाइनअप से मैच खेल रहा हूँ, कोई भी चेंजेस नहीं है। और अब होगी टॉस। गेस व्हाट, हमेशा की तरह आज भी हम लोग टॉस जीतेंगे नहीं, हारेंगे, क्योंकि विराट भाई ने कसम खा रखी है कुछ भी करूंगा टॉस एक नहीं जीतूंगा। लेकिन हमारे टॉस जीतने के बाद बॉलिंग की जगह बैटिंग आई है, तो चलिए या पहले जो भी है खेलेंगे और जीतने की ट्राई करेंगे। इनका नाम मेरे को भी नहीं पता, जो कि है जे आर्थर कुछ नाम है। पहला बॉल जान हल्लक में आ चुकी थी मेरी, क्योंकि ये एज लग के कैच जाने वाली थी। जो सेकेंड बॉल है परफेक्टली टाइमिंग लगा और ये जा चुका है सिक्स। पहला बॉल हल्लक में आ चुकी थी लेकिन दूसरा बॉल सिक्स जा चुका है, और थर्ड बॉल भी जा चुका है गुड टाइमिंग की वजह से चौका। और यार ये पुल शॉट एकदम जबरदस्त था, पुल शॉट स्लो मोशन में देख लीजिएगा आप। और फिफ्थ बॉल ये भी स्वीप मार के हम लोग ने चौका मार चुके हैं। अभी सेकेंड ओवर शेखर धवन, मैंने को भी नहीं पता, मैं गलती से लॉफ्ट दबाना भूल चुका था और पहला बॉल ये जा चुका है कैच। भाई साहब मेरे को नहीं पता, मैं कुछ चीज़ें ऐसे करता हूँ ना, अंदर की बॉल बाहर खेलता हूँ, बाहर की बॉल अंदर खेलता हूँ। जैसे ही विराट भाई आए और लास्ट मैच की फॉर्म उन्होंने लेके आए हैं और जड़ चुके हैं चौका स्वीप मार के, और थर्ड बॉल फिर से फुलटास आई, इसलिए फिर से मैंने मार चुका हूँ चौका स्वीप करके। लेकिन अर्ली एज था यार, लगता तो विकेट होता। और फोर्थ बॉल अच्छा था इसलिए हमने बीट किया, और फिफ्थ बॉल भी अच्छा था यार, पुल अगर होता ना सही से सिक्स या फोर तो सही में जाता। और थर्ड ओवर इन्होंने स्पिनर को दे चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी है कैप्टन अपोनेंट के, तो डर के खेलना होगा हम लोगों को भी। आज जडेजा भाई को दिए हैं और पहला बॉल ही मैंने फुलटास को लेग साइड पे खेलने की जगह ऑफ साइड पे खेला है भाई, अगर थोड़ा सा भी मिस होता ना विकेट हो जाता ये बॉल। और सेकेंड बॉल हमने फिर से चौका मारा है, थर्ड बॉल फिर से चौका। आप सबको बता दूं मैं फिर से डिफ़िकल्टी हार्ड पे खेल रहा हूं, मैं कोई भी इसके अंदर चेंजेस नहीं है, नॉर्मल में नहीं खेल रहा या ना ही इजी में खेल रहा हूं, मैं हार्ड पे रख के खेल रहा हूं। और मैंने एक्सपर्ट पे भी रख के खेला था कुछ प्रैक्टिस लाइक टूर्नामेंट छोटे, लेकिन एक्सपर्ट के अंदर खेलने के लिए ही नहीं हो रहा है मेरे को, इसलिए मैंने हार्ड पे रख के गेम खेला था IPL। और ये धोनी भाई जब भी बात करते हैं ना बॉलर्स को, तो भाई रियल में भी विकेट जाती है और यहाँ गेम में भी मैंने विकेट दे चुका हूँ। मैं मोहम्मद सिराज को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि स्पिनर्स आ रहे हैं, और मैं मिस्टर 360 की विकेट फिर से मैं देना नहीं चाहता स्पिनर्स को। और सिराज भाई आते ही उन्होंने सिक्स मार के शुरू किया है मैच। फोर्थ और पहला बॉल इन्होंने स्लॉट पे रख के यॉर्कर डलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये परफेक्टली जा चुका है लॉन्ग ऑन पे चौका। लाइक लॉन्ग ऑन तो नहीं कह सकते, दोनों के बीच में गया है ऑफ साइड, लाइक ऑफ साइड और लॉन्ग ऑन के बीच में। अगेन मैंने ऑफ साइड की जगह लेग साइड पे मारने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता, बाहर के बॉल में अंदर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और पुल शॉट की वजह से ये भी जड़ चुका हूँ मैं चौका, ये इजीली मिसफील्डिंग थी यार। अभी थर्ड बॉल फिर से मैंने वहीं पे स्वीप करके मारा हूँ और सेम नतीजा है, सेम वही बंदा है, वही मिसफील्डिंग। और फोर्थ बॉल ये शॉर्ट बॉल आई थी और मैंने पुल करने की कोशिश की, और ये भी जा चुका है चौका। मेरे को भी नहीं पता क्यों वहाँ पे एक कोई भी फील्डर को नहीं रख रहे हैं, अगर होते ना सारी की सारी बॉल या कैच जाती है या चौका बचता है। मैंने हर एक बॉल वहीं पे खेला, लॉस्ट बॉल ज़बरदस्त था भाई, अंदर का बॉल मैं बाहर खेलने की कोशिश की। और फिफ्थ ओवर फिर से स्पिनर आ चुके हैं और पहला बॉल ही मैं कैच दे चुका हूँ, क्योंकि भाई स्पिनर क्या ही खतरनाक एज लगा था और जा चुका है सही से बंदे के हाथ में कैच। और सेकेंड बॉल जैसे ही हमारे मिस्टर 360 आते हैं वैसे ही उन्होंने जड़ चुके हैं चौका। और यार ये थर्ड बॉल का जो ही खतरनाक शॉट था ना,
इस वाले मैच का ये मेरा फेवरेट शॉट है, क्योंकि इनका मिस्टर 360 का जो ट्रेडमार्क शॉट है ना, वो इन्होंने मार चुके हैं यहाँ पे। जबरदस्त था यार, सिक्स जा चुका है। अभी थर्ड बॉल उनमें ही एक सिंगल लिया था, क्योंकि स्पिनर्स को अगर मैं उठा उठा के खेलूँ तो कैच हो जाएगी। और ये मेरे को भी नहीं पता, मैं अंदर के बॉल कभी भी देखो या बाहर खेलने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे फोर जा चुका है विराट भाई के। क्या मैं फास्टेस्ट 50 कर सकता हूँ इसमें IPL की, देखेंगे। और परफेक्टली फिर से जा चुका है सिक्स एबी डिविलियर्स के बल्ले से। और यहाँ पे शॉट देखो यार, पैड पे दला के दे रहे हैं इन्होंने, इसलिए वो फ्लिक खोज के हम लोग मार चुके हैं। और विराट भाई एंजॉय करते हुए यहाँ पे मिस्टर 360 की इनिंग्स को। और थर्ड बॉल फिर से दलाया उन्होंने, चौका जा चुका था अर्ली सामने आके खेलने की वजह से। और फिफ्थ बॉल वही शॉट मैंने फिर से खेला एज लग के, क्या जा चुकी है। मेरे को भी नहीं पता भाई, मैं हमेशा जो इन स्विंग होती है उसको मैं ऑफ साइड पे मारने की कोशिश करता हूँ, जो आउट स्विंग होती है उसको मैं लेग साइड पे मारने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जब भी नाइस ट्राई आता है ना, मेरी जान हलक में आ जाती है। मेरे को भी पता है मैं बहुत बार नाइस ट्राई एज लग के कैच हो जाएगी ऐसा बोलता हूँ, तो आज से जब भी मैं एक बार नाइस ट्राई बोलूँगा तो आप पानी पियोगे, क्योंकि जितना पानी पियोगे उतना हाइड्रेटेड रहोगे, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आपको पानी पीना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुणाल पांड्या ने पहला बॉल ही आके स्विच हिट मार के सिक्स मार चुके हैं। अभी सेवेंथ ओवर शुरू हो चुका है और फील्डर जो आउट सर्कल में है वो भी पांच है, तो मेरे को अगर शॉट उठा के खेला तो कैच होने के चांसेस बहुत रहते हैं गुड पे, तो इसलिए हम लोग सिंगल खेलने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट बॉल तो बीट हुआ था हमने, सेकेंड बॉल सिंगल और थर्ड बॉल परफेक्टली, ये अगर रन आउट हो जाता ना तो मैं गेम ही डिलीट कर देता यार इतना जल्दी, क्योंकि डाइव मारने की कोशिश किया, डाइव नहीं हुआ। और ये मैंने सोचा कि कैच हो जाएगा, लेकिन कैच नहीं हुआ। तो नाइस ट्राई नहीं बोला मैंने, अभी नाइस ट्राई बोल रहा हूँ तो पानी पियो आप लोग। 8 ओवर की पहली बॉल हमने कवर पॉइंट पे एक छोटा सा हल्का सा ड्राइव मार के हमने एक सिंगल लिया था। पूरा ओवर हमने सिंगल लिया और फोर्थ बॉल नो बॉल हो गई, इसलिए हमने चौका मार चुका हूँ मैं। और फ्री हिट पे मैंने कैच दिया है, और फ्री हिट पे कैच दे के एक सिंगल लिया था हमने। और सिक्स बार परफेक्टली सिक्स जा चुका है, देखो यार कहाँ कहाँ पे क्या शॉट खेला हूँ, लॉन्ग रन पे एक भी शॉट नहीं खेला मैंने। और अर्ली करके मैंने मिस किया था, और यहाँ पे अर्ली करके फिर से एक रन ले लिया मैं भाई साहब, 48/22। मैंने सोचा कि लाइक जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और यहाँ पे मैंने स्वीप करने की कोशिश की फाइन पे, और जा चुका है कैच। क्या ही खतरनाक कैच पकड़ा है भाई ने यार, ये कैच ऑफ द डे है। और जो टॉप 10 कैचेस है ना टूर्नामेंट का, उसमें ये भी है कैच। मैं लास्ट में जब भी फाइनल होगा मैं चेक करूंगा कि टॉप 10 कैचेस कौन से हैं, एक वीडियो बना के डालूंगा टॉप 10 कैचेस और टॉप 10 मोमेंट बोल के। और लॉन्ग ऑन पे मैं छक्का मारने की जगह जाके मैं दे चुका हूँ कैच अर्ली होके, तो इसलिए आउट हो चुके हैं अभी। और यार इतना खतरनाक लगा ना आउट होने के बाद, क्योंकि मिस किया मैंने 50। और राशिद खान आए, और राशिद खान को मेरे को भी नहीं पता कि मैं बाहर क्यों खेल रहा था अंदर की बॉल, और गूगली पे आउट हो चुके हैं LBW। भाई साहब गेम क्या ही गत्ते फूक के खेल रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे मैं फिर से LB कराया हूँ यार। फिर से मैंने जो बॉल जो शॉट बना ही नहीं है वो शॉट खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, और अर्ली पे अगर वहाँ पे बंदा होता ना कैच होता। और यहाँ पे फिर से मैंने ग्राउंड शॉट खेलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा रन चले जाए। और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कवर्स पे ड्राइव मारने की कोशिश की, और एज लग के जा चुके हैं MS धोनी के हाथों में। पर ने नॉट आउट दिया था, और भाई महेंद्र सिंह धोनी ने रिव्यू ले लिया डायरेक्टली,
और वहाँ पे एज लग के उन्होंने फिर से रिव्यू सिस्टम जो कि है, कोई भी रिव्यू लेते हैं तो क्या होता है आपको भी पता है, जो अंपायर का डिसीजन होता है वो चेंज होता है। आज भी चेंज हो चुका है, बड़ी मशक्कतों के बाद एक फोर्थ जा चुका है। फिर से मैंने स्वीप खेला लेट, फाइन पे थोड़ा सा भी बंदा पीछे होता ना ये भी कैच होती, लेकिन जा चुका है चौका, नसीब की बात है। फिर से मैंने वही शॉट वही पे खेला क्योंकि वहां पे कोई भी फील्डर नहीं था, और ये सामने आके खेलने की कोशिश लॉन्ग ऑन पे। पहले भी मैंने यहाँ पे विराट भाई की विकेट दिया था और अब यहाँ पे चाहल भाई की, और हमने टारगेट दिया है 120 बॉल में उनको 167 रन मारनी है। अगर ओवर में उन्होंने 8 रन भी बना लिए ना तो वो जीत जाएंगे। सेकेंड इनिंग्स का पहला बॉल मैं ट्रेंट बोल्ट के हाथ से करा रहा हूँ MS धोनी को, और मेरे को भी नहीं पता कि भाई ये बंदे जो गेम के जो क्रिएटर हैं MS धोनी और जडेजा को ओपनिंग कैसे दे रहे हैं। और पहले 3 बॉल मैंने इन स्विंग कराई थी, कोई भी रन नहीं आए थे, और चौथा बॉल मैंने चेंज करने की कोशिश की, आउट स्विंग कराया, ये सामने आके भाई ने 6 मार चुके हैं। स्लो मोशन में देख लो यार, क्या ही जबरदस्त 6 था। मैंने 6 बॉल वही सोचा कि फिर से मैं इन स्विंग ही कराऊंगा, मैं स्लोअर इन स्विंग कराई और झलक के जा चुका है बोल्ड पे, और MS धोनी की पहले ओवर पे ही विकेट जा चुकी है। अभी सेकेंड ओवर मैंने मोहम्मद सिराज को दिया है और जडेजा फेस कर रहे हैं। पहला बॉल तो हिट हो चुका था और सेकेंड बॉल मैंने स्लॉट पे रख के उनको इन स्विंग कराने की कोशिश कर रहा हूँ स्लॉट और आर्कर के बीच में, तो जड़ चुके हैं उन्होंने 6। तो मैंने फिर से वही कराया कि लाइक बॉलिंग तो चेंज नहीं करनी है, लेकिन बॉल का जो पिच है वो चेंज कर सकता हूँ। मैंने शॉर्ट बॉल रख के आउट स्विंग कराई क्योंकि मेरे को भी पता था कि जो ऑफ साइड का बंदा है वो थोड़ा आगे है बाउंड्री से, तो शॉर्ट मारेगा तो कैच जाएगा, तो कैच हो चुकी है। भाई की स्ट्रेटेजी एकदम नेक्स्ट लेवल चल रही है आजकल। थर्ड ओवर की दूसरी बॉल मैंने लेंथ पे रख के आउट स्विंग कराई थी, और जो ही कैच गई है ना, क्योंकि भाई ने अंदर आके बाहर वाली बॉल को ऑफ साइड पे मारा है, सॉरी लेग साइड पे मारा है, मेरे को भी कन्फ्यूजन हो जाता है यार लेग साइड ऑफ साइड पे कभी कभी, तो माफ़ कीजिएगा। और वो जा चुका है डायरेक्टली क्या, भी यहाँ पे फिल्टर जला रहा हूँ क्योंकि नो बॉल था, तो यहाँ पे कैच तो गई है लेकिन कैच की जगह रन आउट हो जाता है, तो विकेट ऐसे ही मिल जाती है मेरे को। और यहाँ पे मैंने यार कर रखने की कोशिश की और उन्होंने फुल टॉस पे तब्दील किया और फ्रंट फुट पे आके लॉन्ग ऑफ पे 6 मार चुके हैं वो। अगेन मैंने इंग स्विंग यार कर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी जा चुका है चौका, और ये फुल मैंने स्विंग किया था फिर भी वो जा चुका है थर्ड मैन पे चौका। अभी यहाँ पे स्वीप खेल के इन्होंने स्पिनर को मार चुके हैं 6, और सेकेंड बॉल देखते हैं कि क्या होता है, इन्होंने फाइन पे यहाँ पे स्वीप करके ये भी चौका मार चुके हैं। भाई साहब कितने लेफ्ट हैंडर्स हैं चेन्नई के अंदर, जो भी आ रहे हैं लेफ्ट हैंडर ही आ रहे हैं। और मैंने गेल को यहाँ पे लो फुल टॉस रख के खिलाने की कोशिश की क्योंकि मेरे को भी पता लो फुल टॉस जो यार कर रहता है वाइड यार कर वहाँ पे वो हमेशा आउट होते हैं, तो इसलिए मैंने खिलाया और कैच जा चुकी है। देख रहे हो ना भाई की स्ट्रैटेजी कितनी बदल रही है आजकल। और फिफ्थ ओवर मैंने दिया था राशिद खान को, इसलिए मैंने सोचा कि स्पिनर के बाद मैं मीडियम फास्ट को देता हूँ, तो इसलिए मैंने 6th ओवर वाटसन भाई को दे दिया। देन गेस वॉट, पहला बाली जा चुका है लॉन्ग ऑन पे 6, और सेकेंड बॉल मैंने यहाँ पे इन स्विंग शॉट पे और लेंथ के बीच में रख के बॉल किया, और डीप स्क्वायर का जो बंदा मैंने आगे रखा था उस बंदे के हाथ में जा चुकी है कैच, लेकिन शॉट तो जबरदस्त था भाई, अगर ये गुड या परफेक्ट होता ना 6 या 4 जाता तो ये बेस्ट शॉट था। तो मैंने फिर से यहाँ पे इन स्विंग कराने की कोशिश और ये जा चुका है चौका। भाई कुछ नहीं कर सकते यार, जाने दो, मैच हार भी गए ना तो डर नहीं रह गया क्योंकि चेन्नई से हारे हैं हम लोग बोल के,
भाई इस वाला कप नंदे आएगा, टेंशन मत लो आप। और मैं यहाँ पे स्ट्राइक बॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जा चुका है फील्डर के हाथ में कैच। और मैं ऑडियो क्वालिटी की वजह से आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत शोर शराबा आता है। मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके उतना मैं एडिटिंग में बैकग्राउंड नॉइस निकाल दूँ। अभी यहाँ पे मैंने शेन वाटसन का ओवर पूरा तो खिला लिया था, वहाँ पे एक नो बॉल और चौका दोनों गए थे और एक चौका जा चुका है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे प्रेशर बन चुका है अपोनेंट पे, तो इसलिए मैंने सिराज भाई को फास्ट बॉलिंग करने के लिए दिया था और पहला बॉल ही उन्होंने विकेट ले लिया है भाई, खतरनाक। और सेकेंड बॉल उन्होंने बीट कराई थी और थर्ड बॉल मैंने फिर से कैच हो चुका है, तो मैंने थर्ड अंपायर पे गया और यहाँ पे साफ सीधा टच हुआ है तो कैच हो चुकी है भाई। 10th ओवर थोड़ा सा अच्छा ही था। 11th ओवर मैंने फिर से फास्ट बॉलिंग को ही दिया था, स्लोअर आउट स्विंग कराने की कोशिश की और ये फ्रंट फुट पे आके लॉन्ग ऑफ में खेलने की कोशिश की और डायरेक्टली जा चुका है कैच। और यहाँ पे आरसीबी ने 76 रन से जीत चुके हैं यहाँ पे, और मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज को मिली है। और गेस व्हाट, इस मैच में भी हमारे विराट भाई अपनी टीम को लीड करते हुए 48-25 बॉल्स में भाई 50 हो जाती थी। और यहाँ पे बॉलिंग भी देखो यार हमारी टीम की खतरनाक। और टेबल टॉप पे आरसीबी फर्स्ट है, 2 मैच भी जीत चुकी है, रन रेट है 4.72 और पर्पल कैप में आ चुके हैं मोहम्मद सिराज ट्रेंट बोल्ट, और ऑरेंज कैप पे है विराट भाई, मोस्ट सिक्सर्स पे भी विराट भाई है। तो यार चलिए आज के लिए बस इतना ही है, अपना ख्याल रखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। अगली वीडियो मैं ट्राई करूँगा माइनक्राफ्ट की डालूँ। तो यार चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।